दोस्तों आपने एवेंजर्स मूवी देखी होगी या आयरन मैन मूवी देखी होगी, उसमें एक कैरेक्टर है आयरन मैन का। तो दोस्तों फिल्मी कैरेक्टर है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे असली आयरन मैन की, इंडियन आयरन मैन की, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो दोस्तों मैं ब्रजेश वर्मा स्वागत करता हूँ आपका लाइफ इजी चैनल में, और इस वीडियो में हम 5 ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जो हो सकता है कई लोग जानते भी हों और हो सकता है नहीं जानते हो, तो इस वीडियो के द्वारा उनको पता भी चल जाएगा। दोस्तों पहला फैक्ट यह है उनके बारे में कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम हमारा देश टुकड़ों में बटा हुआ था। 562 रियासतें थीं, छोटी छोटी रियासतें, जो हमारा देश उन रियासतों में बटा हुआ था। जो इंडिया आज के डेट में आप देख रहे हैं, इंडिया ऐसा नहीं था, टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ था। जैसे अफ्रीका का एग्जाम्पल लीजिए, जैसे अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, उसमें छोटे छोटे देश हैं, तो आपको इंडिया भी ऐसे नज़र आता है टुकड़ों में। और ये इंडिया नाम भी नहीं होता, क्योंकि एक पूरा देश नहीं होता तो उसका नाम इंडिया नहीं होता, या कोई एक छोटा सा देश इंडिया अपना नाम रख लेता। तो जो इंडिया आज आप देख रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई की देन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने सारी रियासतों को, जो 562 रियासतें हैं, उनको एक करके ये इंडिया बनाया है। अब उस टाइम क्या हुआ दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ तो 562 रियासतों में से 559 रियासतें हमारे साथ आना चाहती थी। यानी जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने ऑप्शन दिया कि भाई ये जो रियासतें हैं या तो इंडिया के साथ मिल जाएं, या जो पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था, जो डिवाइडेशन हुआ था, जो पार्टीशन हुआ था हमारा, तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, या ये सेल्फ रूल करें, अपनी जो रियासत है उसको खुद चलाएं। तो उसमें से 559 रियासतें तैयार हो गई थी इंडिया के साथ आने के लिए, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो इंडिया के साथ नहीं आना चाहती थी। उसमें से 1-2 रियासतें पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, और 1-2 रियासतें जो है हमारी वो इंडिपेंडेंट अपना काम चलाना चाहती थी। तो पहली जो रियासत थी हमारी जूनागढ़, जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ जाके मर्ज होना चाहते थे, पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते थे। तो जो वहाँ के नवाब थे, जो वहाँ के राजा थे, उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, लगाव था पाकिस्तान के साथ, लेकिन जो जूनागढ़ की प्रजा थी वो इंडिया के साथ आना चाहती थी। तो ये सब देखते हुए जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये पता चला तो उनको बहुत गुस्सा आया, और वहाँ पर पहली बार उन्होंने अपनी पावर दिखाई, जो आर्मी की पावर थी इंडिया की वो जूनागढ़ के थ्रू नज़र आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी आर्मी भेजी जूनागढ़ में, और वहाँ पर जूनागढ़ को इंटीग्रेट करा दिया इंडिया के साथ। ये हुई पहली रियासत जो 3 रियासतें इंडिया के साथ नहीं आना चाहती थी। दूसरी रियासत दोस्तों है हमारा, जो आज की डेट में आप देख रहे हैं साउथ में, वहाँ पे था हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत के जो निज़ाम थे वो इंडिया के साथ नहीं आना चाहते थे, वो अपना अलग ही राज्य वहाँ चलाना चाहते थे, एक अलग देश बनाना चाहते थे उसको, और उनका लगाव भी था बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, क्योंकि मुस्लिम थे। और पाकिस्तान जो डिवाइड हुआ वो रिलीजन के नाम पे अलग एक देश बना कि भाई इंडिया से अलग होकर मुसलमानों का एक देश होना चाहिए। और आज़ादी के बाद उन्होंने करोड़ों रुपए की फंडिंग भी की पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मदद की। तो जब नवाब ने ये हरकत की और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये पता चला, जो हमारे लौह पुरुष थे इंडिया के, उन्होंने फिर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया, अपनी आर्मी रातों रात भेजी वहाँ पर। अच्छा, एक फैक्ट और है इसमें, जो वहाँ की प्रजा थी, जो हैदराबाद की रियासत की जो प्रजा थी, जो इंडिया के साथ आना चाहती थी, तो नवाब ने एक आर्मी बनाई हुई थी वहाँ पे। वो आर्मी क्या करती थी, ऐसे लोगों को मारती थी, वो उनको ख़त्म कर देती थी, उनकी आवाज़ें दबा देती थी, तो लोग डर में रहेंगे और इंडिया के साथ जाने के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो जब हमारे लौह पुरुष को ये पता चला तो उन्होंने रातों रात आर्मी भेजी और चढ़ाई कर दी हैदराबाद पर, और हैदराबाद के जो निज़ाम है उनको घुटनों पर आके इस चीज़ को कबूल करना पड़ा कि भाई हमें इंडिया के साथ जाना चाहिए। तीसरी रियासत जो बहुत ही डिस्प्यूटेड है, जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ के राजा इंडिया के साथ नहीं आना चाहते थे, लेकिन हमारा एक पॉलिटिकल यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा कि नेहरू जी के साथ उनके कुछ डिस्प्यूट थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जब बीच में आए तो उन्होंने चाहा कि ये इंटीग्रेट करें इंडिया के साथ, और वो सपोर्ट भी करेंगे जम्मू एंड कश्मीर को। और जब महाराजा हरि सिंह को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझाया, उनको इंटीग्रेट करने के लिए राजी कर लिया, तो फिर पाकिस्तान ने वहाँ पर बहुत एक ओछी हरकत की, बहुत ही गंदी, अपने उस टाइम तो सोल्जर्स कह नहीं सकते उनको, उनके अपने बंदे थे उनको वहाँ पे भेजा और अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर पे। जो आज POK आप देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे में इंडिया का पार्ट है, वो उसी टाइम का कब्जाया हुआ पार्ट है, आज़ादी के टाइम पे। उस टाइम उन्होंने उनके जो अपने बंदे थे उन्होंने इंडिया पे, जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर अटैक किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ से अपनी आर्मी भेजी, तो जिस एरिया को छुड़वा लिया हमने वो अभी हमारे अधिकार में है। और जहाँ पे जाके नेहरू जी ने बोला कि नहीं, ये गलती नेहरू जी की, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, नेहरू जी ने यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को रोक दिया कि नहीं, हमें लड़ाई नहीं चाहिए, तो जहाँ पे इस लड़ाई को रोका गया और जहाँ पे वो पाकिस्तानी सोल्जर्स या जो अटैकर्स थे, जो आतंकवादी थे, उनको कुछ भी कह लो आप, वो लोग जहाँ तक रुके रह गए, वो एरिया POK हो गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया।
तो ये कश्मीर का इंटीग्रेशन कैसे हुआ हमारे देश में, ये एक पॉइंट ये हो गया। तो दोस्तों ये पहला फैक्ट था जो मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया। दोस्तों दूसरा फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत शीर्ष लेवल के नेता थे हमारे देश में, उनको हर कोई जानता था, उनकी एक बहुत रिस्पेक्ट थी, लेकिन उनके बारे में एक चीज़ शायद बहुत ही कम लोगों को पता है जो आज की डेट में होता है कि क्या भाई कोई एक नेता बन गया, अगर अच्छा नेता बन गया तो सोचता है कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस जो उसका नाम है उससे कमाती रहे, यानी वो भी पॉलिटिक्स में आए और उसका करियर पॉलिटिक्स में बन जाए। काफ़ी आप यूपी बिहार में देखिए, कई तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनका करियर ही मतलब फैमिली पॉलिटिक्स में लगा हुआ है, मतलब हर एक बंदा परिवार से पॉलिटिक्स में है, उनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है उनको। पिताजी मुख्यमंत्री थे राज्य के और उनका बेटा भी अब मुख्यमंत्री बनेगा और बने भी हैं ऐसे पूरे देश में, आप कहीं भी देख लीजिए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो असली देश प्रेमी थे, उन्होंने एक बार अपने बेटे को खुलेआम बोला था कि अगर मैं दिल्ली में हूँ जिस टाइम, तो आप मेरा नाम ले करके कभी कोई रौब नहीं जताएंगे, और अगर मैं दिल्ली में हूँ तो आप दिल्ली के आसपास नज़र भी नहीं आएंगे, और मेरा नाम लेकर के कहीं पूरे देश में कोई काम नहीं करेंगे, यानी मेरे नाम को आप यूज़ नहीं करेंगे, मेरे नाम को यूज़ करके आप अपनी पावर नहीं दिखाएंगे। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी और जो नेता हैं हमारे देश के उनके लिए भी कि भाई आप अपने लिए काम करो, देश के लिए काम करो, आप एक रास्ता मत बनाओ कि आपका परिवार उस रास्ते पर चलेगा, और आपके जो बच्चे हैं उनको बोलिए कि प्रोफेशनल बने, पढ़ाई लिखाई करें, आर्मी को ज्वाइन करें। आर्मी ज्वाइन तो नहीं कराओगे आप लोग शायद अपने बच्चों को, लेकिन एक मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि भाई जो पॉलिटिशियन के बच्चे हैं या उनके परिवार के लोग हैं वो आर्मी में भी सर्विस दें, अच्छा लगेगा, देश वालों को भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारे देशवासियों का। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे लगा और ये मैंने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों तीसरा फैक्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ये है कि इनको सरदार की उपाधि कहाँ मिली। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सरदार नहीं था, उनको सरदार ये उपाधि दी गई है, और ये उपाधि उनको कैसे मिली है ये मैं तीसरे फैक्ट में आपको बताऊंगा। तो जब दोस्तों हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो 1928 में बरदोली एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे अंग्रेजों ने बड़ा अत्याचार किया किसानों के साथ, वहाँ पे कपास की खेती हुआ करती थी और वहाँ पे किसानों को अच्छी उपज भी नहीं हो पा रही थी और कपास का अच्छा रेट भी नहीं मिल पा रहा था। और उसी बीच में अंग्रेजों ने क्या किया, जो अंग्रेजी हुकूमत थी हमारे यहाँ, उन्होंने कपास पे 30% का टैक्स बढ़ा दिया, यानी आपकी कमाई नहीं हो रही, आपकी फसल नहीं बिक रही, लेकिन आप लगान 30% बढ़ा के दीजिए, उस टाइम लगान बोला जाता था, तो 30% का बढ़ा के बोला गया कि आप टैक्स भरिए, लगान भरिए। इससे वहाँ के किसान बहुत परेशान हुए, तो किसी एक अच्छे आदमी ने उनको बताया, उनके जो मुखिया वगैरह वहाँ पे हुआ करते होंगे, कि आप लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को संपर्क करिए और उनसे बात करिए। तो ये जो वहाँ के किसान थे वो वल्लभ भाई पटेल जी के पास गए और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम यहाँ पे सत्याग्रह करेंगे और इसका नाम पड़ा बरदोली सत्याग्रह। उन्होंने लोगों से वचन लिया कि कुछ भी हो जाए आपको इस सत्याग्रह से पीछे नहीं हटना है। ये सत्याग्रह चला कई दिनों तक और आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा और उन्होंने ये जो 30% का बढ़ा हुआ लगान है इसको वापस लिया, इस डिसीजन को उनको वापस लेना पड़ा। अब दोस्तों बात करते हैं चौथा इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये स्टूडेंट के लिए भी एक अच्छा एग्जांपल है जो हमारी यंग जनरेशन है उनको इससे कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत गरीब परिवार से थे, कोई बहुत अमीर परिवार से नहीं थे, तो गरीबी से जूझते हुए भी उन्होंने एक अच्छी क्वालिफिकेशन यानी पढ़ाई की। उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से की। आपको सुन के काफ़ी हैरानी होगी कि उनके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे और वो अपने दोस्तों से अपने जानकारों से किताबें उधार लेके पढ़ा करते थे। जी हाँ, वो किताबें उधार लेके पढ़ा करते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने पैसों से अपनी किताबें खरीद सकें। तो जब वो वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड में कर रहे थे तो वहाँ पर वो कोर्स 36 महीने का था दोस्तों, और उस कोर्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 महीने में कंप्लीट किया। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम अपने एजुकेशन लाइफ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कितने ब्रिलियंट थे कि उन्होंने 36 महीने का कोर्स 30 महीने में कंप्लीट कर लिया। तो ये जैसा हमारी यूथ के लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। दोस्तों पांचवा फैक्ट हमारी इस वीडियो का है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऑल इंडिया सर्विसेज का फादर कहा जाता है, यानी जो आज हम सिविल सर्विसेज देखते हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही स्टार्ट कराया था इंडिया में। आज़ादी से पहले क्या होता था दोस्तों कि जो आपके आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स होते थे ये इंडियन ही होते थे, इसकी पढ़ाई बहुत टफ होती थी और इसका जो एग्ज़ाम होता था वो इंग्लैंड में होता था, तो हर कोई वहाँ पे जा नहीं सकता था और एक भी इंडियन आईएएस ऑफिसर नहीं था। हमारे पहले आईएएस ऑफिसर जो सिविल सर्विसेज में थे या सिविल ऑफिसर जो थे हमारे, वो सुभाष चंद्र बोस थे। तो इंडिया के पहले आईएएस ऑफिसर आप कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के बाद इंडियन सिविल सर्विसेज को काफ़ी सिंपल किया। आज जैसे यूपीएससी है जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लेती है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही सोच है, उनकी जो ब्रॉड थिंकिंग थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है, वो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स ही पूरे देश को चला सकते हैं।
उस टाइम पे जो रियासतें थी, जो स्टेट बने थे, तो रिक्वेस्ट की गई कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट आप स्टेट को दीजिए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई की जो विजनरी थिंकिंग थी, जो जिसे हम कहें कि भविष्य को वो देख सकते थे, उन्होंने उसी टाइम कह दिया था कि इस सिस्टम से हम देश को नहीं चला सकते, इतने बड़े देश को नहीं चला सकते। तो उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, जो सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं वो उसको कंट्रोल करेंगे। तो वहाँ पे इन्होंने नींव रखी थी सिविल सर्विसेज की, ऑल इंडिया सर्विसेज की, जिसे आज हम सिविल सर्विसेज और यूपीएससी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात की जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानी जाती हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आप देशभक्ति के नाम पे या एक अच्छे इंसान के नाम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सोचते हैं, उनको अच्छा आदमी मानते हैं, उनको एक अच्छा नेता मानते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।